डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं नाइन्थ क्लास के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, साइंस हम लोग एनसीईआरटी को बुक को फॉलो करते हुए हम लोग मोशन के चैप्टर को पढ़ रहे थे, और हम लोगों का ये मोशन चैप्टर अब समाप्त होने को है, क्योंकि इसका पूरा डिटेल्स, जितनी भी थ्योरी थी, इसके जितने अंदर की बात थी, हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसका एक पार्ट बच रहा है, जिसको एनसीईआरटी में एक्सरसाइज के नाम से पीछे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हमें समझना है, कुछ न्यूमेरिकल्स दिया है उन्हें सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चंस हैं उसे हमें आंसर करना है। तो चलिए, जैसा कि आपको पता होगा, एनसीईआरटी के बुक में मोशन वाले चैप्टर से नाइन्थ क्लास का एक्सरसाइज का जो हम लोग क्वेश्चन किए थे पीछे से, वो सिर्फ वन नंबर क्वेश्चन हम लोगों का हो पाया था। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन से। तो पहले हम दूसरा क्वेश्चन को बोलते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन देते हैं, उसको समझाते हैं कि क्या क्वेश्चंस बोल रहे हैं, उसको सॉल्यूशन कैसे करना है। लिखा जाए जोसेफ जॉक्स, जोसेफ नाम है, जोसेफ जॉक्स, जॉक्स का मतलब जॉगिंग करना, सुबह सुबह जॉग करते हैं वही, जोसेफ जॉक्स फ्रॉम वन एंड ए, कैपिटल ए, वन एंड का नाम क्या है, ए, टू द अदर एंड बी, कैपिटल बी, टू द अदर एंड कैपिटल बी, ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 meter 30 second and then turns का स्पेलिंग turns, turns मतलब लौटना, and then turns around and jogs 100 meter back 2 point C in another one minute. What are Joseph's average speed and velocity in jogging का मतलब JOGGING jogging। उसके नीचे का सवाल है ए और बी करके, ए वाला में लिखा हुआ है फ्रॉम ए टू बी, और बी नंबर सवाल है फ्रॉम ए टू सी। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको करना पड़ेगा कुछ डायग्राम स्केचिंग, यानी कि डायग्राम खींचना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है जरा देखिए, बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि एक जोसेफ नाम का लड़का है, वो जॉग करना शुरू करता है, वो जॉगिंग करता है, ठीक है, वो जॉग तो करता है, और वो सबसे पहले काम क्या करता है जरा देखिएगा इसका आंसर में, पहला का आंसर में करेंगे क्या, एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसका नाम ए है। अब इस स्टार्टिंग पॉइंट से वो जॉग करना बिल्कुल सीधा शुरू करता है,
कितने मीटर भाई, तो 300 मीटर। कहां पहुंचता है, बी तक। ठीक है, ए से जॉगिंग करना शुरू किया, बी तक पहुंचा, टोटल टाइम कितना लगता है उसको, 2 मिनट 30 सेकेंड। यानी कि इसको जो यहां से यहां तक जाने में टाइम लगता है 2 मिनट 30 सेकेंड का टाइम लगता है, यानी ए से लेकर बी तक जाने में उसे 2 मिनट 30 सेकेंड लगते हैं। तो जोसेफ क्या किया, यहां से वो जॉगिंग करते 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 बी तक गया। बी तक जाने के बाद वो रिटर्न्स हुआ, टर्न्स, टर्न्स का मतलब लौट गया, बैक, बैक साइड। कितना मीटर लौटा भाई, तो इसमें से 100 मीटर लौट गया। यानी मान लिया यहां से यहां तक आया, तो ये सी पॉइंट है और इसके बीच का दूरी कितना, 100 मीटर, और उसको टाइम कितना लगा, 1 मिनट। ठीक है, तो इस तरीके के डायग्राम आपको बनाना है। फिर क्या बोल रहा है कि जोसेफ के द्वारा तय किया गया एवरेज वेलोसिटी या स्पीड, आप बताइए कब पहला केस है ए से लेकर बी तक। ठीक है, तो पहला सवाल बोल रहा है एवरेज स्पीड निकालने के लिए। एवरेज स्पीड कहां से कहां तक भाई, तो ए टू बी। तो ए टू बी निकालना है एवरेज स्पीड, तो फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये ना फार्मूला होता है। तो आप यहां पे लिखिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आप देख पा रहे होंगे टोटल डिस्टेंस कितना लग रहा है ए से लेकर बी तक के जाने में, यहां से यहां तक। ये ग्राफ सूचित कर रहा है ये कि यहां से यहां तक का वैल्यू ये है, ये सिर्फ यहां से यहां तक का वैल्यू है। ठीक है, तो अगर ए से बी बोल रहा है तो टोटल डिस्टेंस ए से लेकर बी तक कितना है, 300 मीटर। तो आप 300 मीटर को ऊपर रख दीजिए। टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो यहां से लेकर ए से बी तक जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, तो 2 मिनट 30 सेकेंड लग रहा है, तो 2 मिनट को हम लोग अगर सेकेंड में बदलेंगे तो यहां 120 सेकेंड और फिर ऑलरेडी 30 सेकेंड है, तो टोटल मिलाकर कितना हुआ, 300 बाय 150। ठीक है, तो यहां से अगर आप कट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा और यहां से टोटल टाइम, तो 15 × 30 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड होगा एवरेज वेलोसिटी इसका। तो पहला का आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब जरा इसी में हम सुधार करते हैं, आप चूंकि दो क्वेश्चन है ना, ए क्वेश्चन है और बी क्वेश्चन है, तो ये ए का सॉल्यूशन है, अब इसी में हम सुधारते हैं बी का करते हैं। यानी कि बी नंबर सवाल क्या बोल रहे हैं, तो एवरेज स्पीड कहां से कहां तक, तो ए से लेकर सी तक, तो टोटल डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, तो भाई अब जो टोटल डिस्टेंस होगा वो 300 तो ए से लेकर बी तक आया था, और बी से अगर सी तक की अगर बात करें, सॉरी हमने ए से सी तक निकालना है ना, तो ए से सी तक निकालना है, तो आप देख पा रहे होंगे यहां से कि हमें जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो 2 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं तो 60 × 120 120 सेकेंड और 30 सेकेंड, तो टोटल हो जाएगा 150। तो ए से लेकर सी तक का निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी इसका कितना होगा, तो नहीं ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस बेटा टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ ए से लेकर सी तक के, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 300 तो टोटल है ना, तो इसको आप माइनस कर लो, 300 तो टोटल है, 100 यहां से यहां तक है, तो यहां से यहां तक 200 मीटर होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना, तो 300 माइनस 100, क्यों, ए से लेकर सी तक।
अब जब टाइम का बात करें तो टाइम तो टोटल लग रहा है भाई 2 मीटर 30 सेकेंड और फिर से 1 मिनट, यानी कि पहले का 150 सेकेंड प्लस इस बार का 60 है, तो यहां से टोटल कितना लग रहा है 200 और 150 प्लस 60 जोड़ेंगे 210, तो यहां से जो लग रहा है 20/21 मीटर/सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो ये बी के लिए है जिसमें बोला जा रहा था कि ए से सी तक के आप वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालिए, तो ये ए का भी हम निकाल दिए और ये बी वाला जो हम अभी इसी में चेंज किए हैं इसको उसके नीचे लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं लिखा जाए, उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा जाए, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलते हैं, लिखिएगा क्वेश्चन। अब्दुल नाम है, अब्दुल कॉमा व्हाइल ड्राइविंग टू अ स्कूल, व्हाइल ड्राइविंग टू अ स्कूल कॉमा कंप्यूट द एवरेज स्पीड, कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर/आवर, टू बी 20 किलोमीटर/आवर ऑन हिज रिटर्न्स RUTURNS मैंने लौटना, रिटर्न्स ट्रिप अलोंग द सेम रूट RUT route along the same route, comma, there is less traffic and the average speed is 30 किलोमीटर/आवर। What is the average speed for Abdul trip? देखिए सवाल क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, कि एक अब्दुल नाम का कोई लड़का है जो स्कूल जाता है ड्राइविंग करके, चलाकर कोई भी गाड़ी को, और वो जब स्कूल जाता है तो उसका जो स्पीड रहता है वो 20 किलोमीटर/आवर रहता है। जरा हम इन चीजों को डायग्राम के बेसिस पे दिखाना चाहते हैं। जैसे मान लिया कि यहां पे उसका होम है, हाउस है, घर है, ठीक है, और यहां पे उसका स्कूल है, सपोज दैट ये उसका स्कूल है, वो घर से स्कूल ड्राइविंग करते हुए जाता है, कितना के स्पीड से भाई, तो जब वो स्कूल जाता है तो 20 किलोमीटर/आवर के स्पीड से जाता है, लेकिन जब वो स्कूल से वापस आता है होम अपने घर पे तो कितना के स्पीड से आता है, वो आता है 30 किलोमीटर/आवर के हिसाब से, ठीक है। जब वो जाता है तो 20 किलोमीटर/आवर से और वो आता है तो 30 किलोमीटर/आवर से, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि अब आप एवरेज स्पीड निकालो, टोटल स्पीड कि कितना लगता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पे तो डिस्टेंस नहीं है कि होम और स्कूल के बीच में कितना डिस्टेंस है,
तो अब आप क्या कीजिएगा, लेट द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड अ स्कूल, क्या कीजिए, तो घर और स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है आप x किलोमीटर मान लीजिए। कितना किलोमीटर? x किलोमीटर, यानी कि यहां से लेकर x किलोमीटर दूर है उसका स्कूल, ठीक है। तो उसको दो तरह का टाइम लगेगा, एक तो होम से स्कूल जाने का टाइम, और जब छुट्टी होगी स्कूल से तो स्कूल से घर आने का टाइम। तो दो तरह का टाइम निकलेगा, एक जाने का जिसको बोल सकते हैं T1 जाने का, और T2 आने का, ठीक है। और हम लोगों का जो टाइम का फॉर्मूला है, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये फॉर्मूला है। अब इसीलिए अब आप T1 निकालेंगे, यानी कि जाने का T1 टाइम, तो डिस्टेंस कितना है, हम तो x माने हैं, और वो जा किस रहा है, किस कितना स्पीड से जा रहा है, तो 20 से, तो x बाय 20। एंड T2 कितना होगा, T2 का मतलब सिर्फ आने का, तो जब वो स्कूल से होम आएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, x किलोमीटर, तो ऊपर हो गया x। और जब वो स्कूल से घर आएगा तो उसकी कितनी स्पीड होगी, 30 किलोमीटर पर आवर, तो 30 हो जाएगी नीचे। इसलिए अब लिखिएगा उसके नीचे, नाउ टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो अगर होम और स्कूल के बीच x किलोमीटर का डिस्टेंस है तो टोटल डिस्टेंस वो आने और जाने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो होम से स्कूल गया x किलोमीटर और फिर स्कूल से होम आया, यानी कि x प्लस x, यानी कि टोटल हो गया कितना x, 2x किलोमीटर, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस पता चल गया, अब टोटल टाइम निकाल लीजिए, टोटल टाइम में कौन कौन सा भाई टाइम, तो T1 प्लस T2, जाने का टाइम और वापस आने का टाइम, तो T1 प्लस T2, यानी कि इसके बाद इधर लिख देते हैं, जगह नहीं है, तो T1 का वैल्यू कितना, x बाय 20, उसके नीचे लिखिएगा x बाय 20, प्लस T2 का वैल्यू x बाय 30, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, तो 60, और 60 ये कितने बार में कटेगा, 3x, और ये 30 से कितनी बार में कटेगा, 2, और 2 से x को मल्टीपल करेंगे, 2x, तो 3x और 2x मिलकर कितना हुआ, 5x इज इक्वल बटा 60। तो इस तरीके से टोटल टाइम हमें पता चल गया, टोटल डिस्टेंस पता चल गया, तो अब हम लोग निकाल सकते हैं कि एवरेज स्पीड अब्दुल का कितना होगा। उसके बाद लिखिएगा फाइनली मतलब अंततः हम लोग एवरेज स्पीड का फार्मूला यहां पे पुट कर लेंगे। एवरेज स्पीड का फार्मूला कितना, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ऊपर कितना है, टोटल डिस्टेंस 2x, और टोटल टाइम कितना आया, 5x बाई 60। तो 60 कहां चला जाता है, ऊपर, तो यहां पे मिटाते हैं, यहां पे ये 60 ऊपर जाएगा तो क्या बन रहा होगा, 2x इंटू 60 बटा 5x, x खत्म, 12 में ये कटा, तो टोटल कितना उसको एवरेज स्पीड लगा, तो 24 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है।
चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर चार को पढ़ते हैं कि चार हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा जाए, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक LAKE, लेक मतलब झील, ऑन अ लेक एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू एट सेकेंड फुल स्टॉप। How far does the boat travel during this time। चलिए, इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि एक मोटर बोट है और एक झील में वो चलना शुरू करती है मोटर बोट, कहां से? तो रेस्ट से। रेस्ट का मतलब वो स्थिर अवस्था से चलना शुरू करती है। तो जैसे ही वो रेस्ट से चलना शुरू किया तो हम लोगों को पता चल गया कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, जिसको यू बोलते हैं, वो वैल्यू कितना हो गया? 0। क्योंकि हम पहले से जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी अगर रेस्ट से शुरू होता है तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, यानी कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गई? 0। तो जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, क्यों 0 हो गई भाई? क्योंकि ये मोटर बोट जो है वो लेक में रेस्ट से चलना शुरू किया है। तो रेस्ट से चलना शुरू किया, इसलिए हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है भाई? तो यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होता है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ए का वैल्यू हुआ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसमें बोल रहा है कि कितने टाइम में, तो टोटल टाइम लग रहा है उसको 8 सेकंड। ठीक है, तब बोल रहा है कि आप ये बताओ कि उतना ही टाइम में मोटर बोट कितना दूर पहुंच जाएगा, यानी कि डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है, यानी कि एस का वैल्यू निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि उतना ही टाइम में, यानी 8 सेकेंड के ही टाइम में वो मोटर बोट कितना दूर चला जाएगा, यानी कि एस का वैल्यू हमें निकालना है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि टोटल इक्वेशन ऑफ मोशन 3 तरह से होते हैं। पहला वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड इज एस बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, और थर्ड इज 2as = v² - u². अब ये तीनों इक्वेशन में हमें कौन सा यूज करना चाहिए ताकि s का वैल्यू निकल सके? तो s बराबर फार्मूला लगाइए ut + ½at². ठीक है, तो यहां u का वैल्यू कितना है भाई? 0। t का वैल्यू कितना है? 8। हाफ a का वैल्यू कितना है? 3।
टी स्क्वायर का वैल्यू कितना हुआ, 8 का स्क्वायर। ठीक है, आप यहां इन चीजों को देखिए, तो जीरो से किसी भी नंबर को अगर मल्टीपल करते हैं वो वैल्यू कितना होता है, जीरो। वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। उसके बाद 1/2, तो ये तो कोई मतलब नहीं रखा। 3, 8 का स्क्वायर 64, 2 से ये कितनी बार में कटेगा, 32, और 32 को 3 से मल्टीपल कर दीजिए तो टोटल मिलाकर कितना बन गया, 3 × 2 = 6, 96 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में यही बोल रहा था, कोई मोटर बोट रेस्ट से शुरू होता है u0, एक्सेलरेट्स कितना हो रहा है 3 m/s², टाइम 8 सेकेंड, तो s का वैल्यू निकालना था, तो s बराबर ut + 1/2 a² इस फार्मूला का यूज करके मैंने s का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, जब s का वैल्यू निकल गया तो ये आ गया हम लोगों का आंसर। तो टोटल मिलाकर दोस्तों हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आज दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चंस को किया। टोटल मिलाकर अभी और क्वेश्चन बचा हुआ है लगभग 5-6 क्वेश्चन, तो आज तक कितना ही छोड़ा जाए, फिर अगले क्लास में हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।